हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। चलिए कार्ड्स की एनर्जी निकालते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी इस समय आपके लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स, डिवाइन। प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल में? ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और स्पेशल रीडिंग अगर आपको लेनी है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? या ब्रेसलेट, ट्री, पिरामिड, जो भी लेना है आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। बॉटम ऑफ द डेक एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर के दिल में सबसे पहले तो इस पर्सन के दिल में जो बातें चल रही है ना आपको लेकर के, पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें कोई भी बात हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली रही है, आपने बोला है या इन्होंने बोला है, बट वो तकलीफ़दायक रहा है। तकलीफ़ वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे यहाँ पे इश्यूज इसलिए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है आपके पार्टनर के दिल में। देखो, ये पर्सन का इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है कि ये पर्सन को किसी का कंधा चाहिए रोने के लिए, सर रख कर रोने के लिए इनको किसी का कंधा चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी जो है बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। एकदम से लग रहा है ना जैसे कि इनकी परेशानी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी परेशानी कभी ख़त्म ही नहीं होगी और ये पर्सन एकदम से टोटली परेशान रहेंगे। एकदम इनको लगेगा जैसे कि अब जो है ना ये पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन को इतना ज़्यादा फील होगा, इतना ज़्यादा। ये पर्सन एकदम से जो होता है ना कि हाँ एकदम आपके लिए जो जो एक होता है ना कि खिंचाव सा महसूस होना है ना, जब आपकी याद आ रही है, जब आपकी बात आ रही है तो इनका दिल भी रोने लग रहा है। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, इस पर्सन को दर्द महसूस हो रहा है। ये पर्सन की आहट में देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को अंदर ही अंदर वो खाए जा रही है इनकी एनर्जी। इनको अंदर से फील हो रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन अपनी लाइफ में क्यों ऐसे हो गए हैं। ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको लेकर के, अपने आप को लेकर के एक ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं ना, जैसे कि होता है ना कि हम अपने लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना होता है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, है ना? और हम चीज़ों को किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हम फंसे चले जा रहे हैं उसमें। वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे, सॉरी थोड़ी सी दूसरी आवाज़ आ गई थी। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके दिल में दिख रहा है ना, मतलब इनके दिल में चल रहा है कि अब मुझे जो है ना यहाँ पे अपना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मुझे अपने यहाँ पे फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपना फालतू में एनर्जी वेस्ट करूँगा, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँगा तो इनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? इनको भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम में है, इनको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। ये बेकार में उतने एफर्ट डालेंगे, उतनी मेहनत करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन को बस ये है कि यार सिचुएशन बदल जाए, चेंज हो जाए, कैसे भी करके चेंज हो जाए, उसके बाद तो मैं देख ही लूँगा, उसके बाद तो मुझे करना ही है,
ठीक, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को जो है एक जो होता है ना कि अपने आप को किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से मैनेज करने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर मुझे यूनिवर्स का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बदलने का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। जैसे सारी चीजें एकदम से सड़ासड़ बदलेंगी। ये पर्सन के कहीं ना कहीं दिल में ऐसा भी है कि कहीं मैं जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं हूँ, कहीं मेरी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं है, क्योंकि जितनी टफ साइकिल चल रही है मेरी लाइफ में ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होना चाहिए, तो मेरा कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी ही तो नहीं है, मैं कहीं उसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही तो नहीं हूँ। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, बहुत आगे तक। ये पर्सन अपने आप को एक जो होता है ना कि बदलना चाह रहे हैं, बदलने को तैयार हो गए हैं ये पर्सन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये पर्सन अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये पर्सन के दिल में, ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको घर कर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये पर्सन अपने को मैनेज करने के लिए, अपने को एक जो होता है ना कि हाँ अपने आप को बहुत सारी सिचुएशंस में, है ना, डील करना, तो वो डील करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ये पर्सन अपने आप को बहुत सारी सिचुएशंस में डील करना चाहते हैं। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने जो अपनी जो लाइफ है ना, उसमें उसमें पूरा एक जो होता है ना कि मेहनत, सारी चीज़ें डाल देना कि हाँ जैसे भी हो बहुत बेहतरीन होना चाहिए रिलेशन। कहीं रिलेशन मेरा ख़राब हो गया ना, कहीं रिलेशन ख़त्म हो गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इस पर्सन को वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये पर्सन को चाहिए कि वो प्रॉब्लम आए ही ना, उस प्रॉब्लम को वहीं पे फुल स्टॉप कर दिया जाए जहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सोच करके बहुत कुछ करने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके बारे में, आपका फ्यूचर, आपके एनर्जी, आपके फीलिंग्स इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन का ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ अपने बारे में ही सोच लो और सोच करके बस अपने बारे में सोच करके सारी प्लानिंग बनाते रहो, ऐसा भी नहीं है इस पर्सन का। ये पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के क्लियर है। ये पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के पूरी तरीके से क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपको ये पर्सन किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि मतलब आपका और इनका जो एक बॉन्ड है ना, वो कभी ख़त्म हो या कभी भी उस सिचुएशन में जाए या उस तरीके से जाए जो कि ये प्रॉब्लम, मतलब कभी भी वो सिचुएशन ख़त्म ना हो, ऐसा ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इतना क्रिटिकल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये पर्सन का दिख रहा है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी तो मैं खुद से एफर्ट डालूंगा, मैं खुद से सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ईगो एटीट्यूड अपना इनको ये देखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा इनसे। ईगो एटीट्यूड अगर ये पर्सन देखेंगे तो ये पर्सन को नहीं हो पाएगा, ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। रीडिंग छोटी थी, मुझे पता है रीडिंग छोटी थी, बट रीडिंग इस चैनल पे छोटी, सॉरी अभी का टाइम छोटा ही होगा, ठीक है। लार्ज रीडिंग देखने के लिए शाम को मिलेगी आपकी रीडिंग, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए, क्रिस्टल के बारे में है, ब्रेसलेट के बारे में है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो,
ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट, ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसके हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है, ठीक है। तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा, आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको निगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत तुरंत असर करता है, ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको, नहीं। इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ, हाँ खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमजोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है, ठीक। ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे। तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीट्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे, ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो। तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी, मिलते हैं रीडिंग में।